हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम ITR के बारे में बात करने वाले हैं। ITR अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया हुआ है तो अब आपके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं, इसके ऊपर यह वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर से भी स्किप मत करिएगा वरना आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ऊपर जो सबसे पहला नियम लागू होता है वो होता है लेट फीस का। अगर आप ड्यू डेट के बाद में, जो कि 31 जुलाई लास्ट डेट थी, वो जा चुकी है एंड अब अगर आप फाइल करते हो तो लेट फीस आपके ऊपर लगती है, सबसे पहला नियम आपके ऊपर लागू होगा। एंड अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर 1000 रुपये का जो है लेट फीस जो है चार्ज होगा। एंड अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5000 तक की पेनाल्टी लग सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको हमेशा ड्यू डेट से पहले ही अपना ITR फाइल कर देना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जो आपके ऊपर दूसरा नियम लागू होता है, तो उसमें आ जाता है कि आपके ऊपर जो भी पेनल लाइबिलिटी होती है, मतलब जो भी आप ड्यू डेट के बाद आप जब भी ITR अपना फाइल करते हो तो पर मंथ 1% का इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज होता है। एंड वो होगा जब आप ड्यू डेट के बाद जिस मंथ में भी आप अपना ITR फाइल करते हो, अप्रैल से लगाकर उस मंथ तक आपके ऊपर हर मंथ का 1% इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी उसमें वो सारा अमाउंट जो है ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको वो फिलअप करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड नियम आपके ऊपर लागू हो जाता है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो आप अपना लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आपका लॉस चाहे बिजनेस में हुआ हो या शेयर मार्केट में हुआ हो या फिर शॉर्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हुआ हो, लॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हुआ हो, किसी भी तरह का लॉस भी आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर आप ड्यू डेट की बात करते हो ये तब लागू होता है, उससे पहले नहीं होता। तो ये भी आपको सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए कि आप ड्यू डेट के बाद ना ITR फाइल करो जबकि उससे पहले करो। एंड अगर उसके बाद करते हो तो आपके ऊपर ये नियम लागू होता है। एंड इसके बाद आ जाता है चौथा, जिसमें आपके ऊपर कुछ बड़े जो है एक्शन लिए जा सकते हैं। अब आखिर वो कौन से एक्शन होने वाले हैं, तो उसमें ऐसा होता है लाइक आपने ITR फाइल नहीं किया हुआ है एंड आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो लगभग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के आसपास हो जाती है, उसमें आप जेल तक जा सकते हो। बट उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है कि आप अगर नहीं फाइल करते हो ड्यू डेट के बाद में तो आपको एक मौका मिलता है कि आप बिलेटेड अपडेट कर सकते हो। एंड इसके बाद आपके ऊपर एक और मौका मिलता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 142 के तहत आपको एक नोटिस जारी करता है कि आपको ITR फाइल करना है। एंड अगर आप उसको भी इग्नोर कर देते हो तो आपको जेल तक जाने की नौबत आ सकती है एंड आपको भारी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चारों नियम आपके ऊपर लागू होते हैं अगर आप ITR फाइल करते हो। इसमें से किसी भी कंडीशन में आप जिस कंडीशन के अंदर आ रहे होंगे वो नियम आपके ऊपर लागू होगा। उम्मीद करूंगा ITR से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।